हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटी मैनेजमेंट एंड पॉलिटी की जानकारी चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अजय ठाकुर। साथियों, आज हम न्यू पॉलिटी फीड हैमर ग्राइंडर यानी विश्व की सबसे शानदार मशीन जो कही जाती है, सबसे ज्यादा पावरफुल मशीन जो कही जाती है पॉलिट्री के लिए, जो वरदान साबित हुई, उस मशीन का हम मुजीम भाई के फार्म पर लाइव डेमो आपको दिखाएंगे। पॉलिट्री फीड को मशीन को चला के हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये हमारे मुजीम भाई के पोल्ट्री फार्म पर हम हैं और ये हमारा काफी 8 से 10 साल पुराना पोल्ट्री फीड मशीन है, जिससे कि अभी तक मुजीम भाई यूज कर रहा है और 50,000 की पोल्ट्री चला रहा है। हालांकि अभी सर ने नया मशीन भी परचेस किया है, ये देखिए, लेकिन इसका अभी सेटलमेंट चल रहा है, उन्हें मोटर वगैरह कसी है, अब इसको चालू करने वाले हैं। लेकिन आज मेरे साथ में 12 रन की यूपी उत्तर प्रदेश से सर आए हुए हैं। सर 12,000 के फार्मर हैं। अब सर किससे के सामने हम आपको लाइव डेमो दिखाएंगे और कितनी शानदार और कितनी हाई कैपेसिटी से ये मशीन चलती है और क्यों वर्ल्ड की नंबर वन पोल्ट्री फीड मशीन कही जाती है, क्यों किसानों के लिए वरदान कही जाती है ये मशीन, ये आपको हम लाइव दिखाएंगे। दोस्तों, आप देश में कहीं भी या विदेश में आप पोल्ट्री फीड बनाना चाहते हैं दोस्तों और आपको पोल्ट्री फीड मशीन की आवश्यकता है और किसी भी तरह की आपको पोल्ट्री में हेल्प चाहिए, फार्मुलेशन चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, पोल्ट्री फीड मशीन चाहिए, छोटी मशीन चाहिए, बड़ी मशीन चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको ये पोल्ट्री फीड मशीन चाहिए तो इसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब मैं 2 मिनट सर से आपका परिचय करा देता हूं, फिर हम पोल्ट्री फीड मशीन का लाइव डेमो मुजीम भाई के फार्म पर दिखाएंगे। मुजीम भाई आइए आप भी। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर अपना नाम पता बताइए पूरा। मेरा नाम धर्मराज यादव है जी, कैमरे पे बताइए। बढ़िया, मेरा नाम धर्मराज यादव है, मैं आरएस घाट तहसील से हूँ जी, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट यूपी से, यूपी उत्तर प्रदेश जी। कितने हजार की फार्मिंग करते हैं? 12,000 की सर। 12,000 के पोल्ट्री फार्मर है, आप तो बड़े फार्मर हैं सर जी। कब सेट बनाया आपने? 2016 में। सर आप यहाँ पर भोपाल मध्य प्रदेश हमारे पास में मशीन लेने के लिए आए हैं जी, तो यहाँ पर आपने मशीन भी देखा और आप हमसे भी मिले, कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा, हमने वीडियो तो देखा था, हमको लग ही नहीं रहा था कि मतलब भरोसा नहीं हो रहा था, इसीलिए हम तुरंत हमने कहा, कई बार हम सोच सोच के टाल दिए, फिर हमको लगा कि अब करनी है फार्मिंग तो चलना ही होगा, घाटा खाने के बाद फिर आए तो नुकसान हुआ। यहाँ पर जो आपने वीडियो में देखा जी और वही सब पाया जी जी, बिल्कुल क्लियर, 1% भी इधर उधर नहीं। किसान भाइयों को, उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों को आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर फीड बनाना चाहते हैं तो एक बार जरूर भोपाल जी जी जी, जिसको फार्मिंग करनी है, फार्मिंग में जिंदा रहना, उसे फीड बनाना ही होगा जी, और एक बार भोपाल आके मिल लेंगे तो अच्छा रहेगा। हम दोस्तों लाइव दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाते हैं। आज जहां पर हम खड़े हैं, मेरे साथ में सर खड़े, मैं सर को लेके आऊं लाइव में, सर को डेमो भी दिखा रहा हूं, डेमो के बाद में मशीन चला के दिखाएंगे, मशीन की कैपेसिटी बताएंगे और इसके बाद में मुर्गा भी दिखाएंगे और रेजेंट भी बताएंगे जी आपको। और मुजीम भाई हमारे आदर्श किसान है, मैं मुजीम भाई को सल्यूट करता हूं। मुजीम भाई 50-60 हजार की फार्मिंग करते हैं और हम सब किसान भाइयों के लिए आदर्श है। सर ने भी 500 मुर्गियों से बिजनेस स्टार्ट किया था, आज 60,000 की फार्मिंग है और सर का बहुत हेल्पफुल व्यवहार है सबके लिए। अब आप देखिए, हम सर के फार्म पर आए और सर ने फीड बनाते बनाते रुक के और के ना, हम आपको चला के लाइव डेमो दिखाएंगे और जो भी हेल्प होती है सर करते हैं। मुजीम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत स्वागत है और प्लीज आप हमें मशीन चला के दिखाइए। आप एक मिनट आप इसी, अभी इसी मशीन से फीड बना रहे हैं ना? पूरा इसी मशीन से फीड बना रहे हैं। अभी दूसरा मशीन आपने चालू नहीं किया? चालू, ये मशीन लिया है सर ने, पास से दिखाइए, लेकिन अभी सर ने चालू नहीं किया, 1-2 दिन में चालू करेंगे तो फिर हम इसका भी आपको लाइव डेमो दिखाएंगे पूरा। अभी मोटर में मुझे भाई कितने का मोटर लगा रहे हैं? 10 HP का लगा है हमने, तो वैसे तो 5 HP का भी इस पे चल जाता है, लेकिन 10 HP का ज्यादा बेहतर है। अच्छा, अभी आप इसी मशीन से बना रहे हैं? जी इसी मशीन, और 15 साल से बना रहे इधर लेकर आइए। मुजीम भाई 15 साल से इसी मशीन से बना रहे हैं। ये आपका रॉ मटेरियल है मक्का, DOC, ऑयल और 10% से मुजीम भाई फीड बनाते हैं सर। देखिए इसमें ये ऑयल मिला हुआ है, मक्का है, सोया है और 10% ब्रॉयलर कंसल्टेड है, ठीक है। ये हमें इस तरह से पहले पूरे रॉ मटेरियल को फर्श पे डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेना है जी। देखिए दिखाइए, रॉ मटेरियल दिखा दिया, इधर लेके आइए। इसके बाद में ये पोल्ट्री फीड मशीन है मुजीम भाई, 15 साल से हमारी इसी मशीन से फीड बनाते हैं। 15 साल के बाद में पता नहीं कितना लाखों टन फीड बना दिया होगा। इसके बाद में मुजीम भाई ने कोई मशीन चेंज करने की आवश्यकता पड़ी और फिर भी काम चल रहा था, मुजीम भाई कहने लगे लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, सब लोग आते तो अजय भाई एक नई मशीन दीजिए, तो हमने मुजीम भाई को नया मशीन दिया है। खैर मुजीम भाई,
इसी से आप 50,000 की फार्मिंग करते हैं। 50,000 बहुत बहुत धन्यवाद, आप धन्यवाद के पात्र भी हैं सर, क्योंकि आप सभी को सिखाते भी हैं आदर से। आप इसका लाइव डेमो दिखाएंगे? जी बिल्कुल, चलवाइए चलवाइए। लगभग लगभग एक मिनट में 50 किलो फीट के समथिंग निकाल दिया है, होगा 75-80 किलो होगा, और एक से डेढ़ मिनट मशीन चली होगी, एक मिनट ही चली होगी लगभग, यानी डेढ़ मिनट के समथिंग, यानी आराम से एक घंटे में मुझे भाई कितना निकाल देगी? एक घंटे में हम 20-25 क्विंटल तक निकाल लेते हैं, 2-2.5 सर 35-35 क्विंटल लोग निकाल रहे हैं जी। फिर आप लेकिन अभी मॉडल चेंज करेंगे, इसके बाद में आप देखिए फीट की क्वालिटी, मॉडल है देख रहे हैं आप जी, कैसा है? बहुत नंबर एक है, इतना तो बड़ा सा बड़ा प्लांट से लाओ फीड तो ऐसे ही मिलता है। मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करी होगी, इतनी बड़ी आपको कटिंग मिक्सिंग नहीं मिली होगी? जी नहीं, बैंकिंग से भी, सबना से भी ना, इसमें आयल दिख रहा है आपको, ना सोया दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है, और मक्का का क्रेश दाना दिख रहा है सिर्फ, जो साइज में हमें चाहिए। देखिए आप हाथ में लीजिए जी, बहुत जबरदस्त कर रहा है सर। क्या कहना चाहेंगे फार्मरों को, किसान भाइयों को कैसा लगा मशीन? फार्मरों तो हम तो यही कहेंगे, किसान भाई आए और जिसको करनी है फार्मिंग उसे मशीन खुद की लगानी ही होगी, नहीं तो फार्मिंग नहीं कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा यूपी बिहार सभी जगह के पोल्ट्री फार्मर किसान भाइयों से आग्रह है कि अगर आप फीड बनाना चाहते हैं तो किसी के बरगलाने में आने की जरूरत नहीं है, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। एक बार आप हमारे पास भोपाल मध्य प्रदेश आइए, वो दूध का दूध और पानी का पानी, सारे कंफ्यूजन दूर जी। हमने वहां तो दो एक लोगों से सलाह लिया जो बीएच कंपनी चला रहे हैं छोटी, उन्होंने कहा अरे फार्मूला नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा, कहीं ये सब कहानियां हैं। तब चलिए थोड़ा सा होल्ड कीजिए वीडियो को, हम एक मिनट के लिए चूजा भी दिखाएंगे ताकि इसी वीडियो में, होल्ड करो।